पर्ल का आज भी मूड थोड़ा सा ऑफ है, दैट्स व्हाई बिफोर टाइम हम जा रहे हैं। देखिए इनिशियल मैंने वही बोला था पिछले व्लॉग्स में भी कि बच्चे से वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इनिशियल डेज में सब कुछ वो बढ़िया करते। हाँ, जो बच्चे नहीं रो रहे हैं दे माइट बी ना प्रैक्टिस टू स्टे अ लिटिल डिस्टेंट फ्रॉम देयर। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी ट्यूजडे। पर्ल का आज भी मूड थोड़ा सा ऑफ है, दैट्स वाई बिफोर टाइम हम जा रहे हैं स्कूल, बिकॉज थोड़ा सा मैं घुमा के थोड़ा मूड फ्रेश कर दूँ, देन वी विल ड्रॉप परू। परू, यू वांट टू से समथिंग टू गाइज? चलिए गाइज, आपको कार में मिलते हैं। हे गाइज, सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम आवर प्लेस। लेट्स सी, अभी टाइम पास किधर करना है वो हम फिगर आउट करेंगे, बट यहाँ से निकलते हैं। बाकी तब तक पर्ल से मिलवा देते हैं। पर्ल, यू वांट टू से समथिंग टू गाइज? मॉमी, ओके। पर्ल आज मॉमी को याद कर रही है सुबह सुबह। ये एक अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज मॉमी विल नॉट बी एबल टू कम टू मीट हर, अदरवाइज शी विल स्टार्ट क्राइंग और छोड़ेगी नहीं। तो लेट्स सी, फिगर आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। हे गाइस, सो पर्ल को ड्रॉप कर दिया है आज। क्लास में बच्चे भी काफ़ी आए हैं पर्ल के साथ, तो होपफुली चीज़ें ठीक हो। अभी स्नेहा ने चेक किया था तो पर्ल का मूड ऑन एंड ऑफ था, मतलब ठीक इसलिए था क्योंकि बच्चे थे, लेकिन अभी एक बच्चा बिल्कुल फ्रेश आया है, सो दैट्स वाई इट्स हर इनिशियल डेज, तो शी वाज क्राइंग अ लॉट, तो बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो वही है, हमारा बच्चा भी रो रहा था तब, और भी इन्फ्लुएंस हुए होंगे फॉर श्योर। अभी वो बच्चा नया आया बेचारा, रो रहा है आज, इनिशियल वन और टू डेज ही हुए हैं, तो परू भी देख के रो रहा था उसको, तो वही ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ये तो चलता रहेगा। बाकी हम निकलते हैं अपने घर के लिए, देखते हैं जिम जाना नहीं जाना है, बाकी जाके कुछ जो भी होगा बताते हैं आपको। चलिए बने रहिए। हाय गाइस, सो मैं घर वापस आ गया था, नाउ आई एम लीविंग फॉर जिम, थोड़ा वर्कआउट करके आते हैं, देन हैव टू गो टू पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। अभी हैं दो तीन काम पेंडिंग, वो करके आएंगे, देन वापस आकर थोड़ा सा लॉग इन करके तैयारी करते हैं ऑफिस जाने की। तो चलते हैं, वर्कआउट करके आते हैं, फिर आपको अपडेट देता हूँ मैं। हे गाइस, सो आई एम रेडी फॉर ऑफिस, ऑफिस निकलते हैं और आपको अपडेट देंगे। बाय, हैव एन अमेजिंग डे। Thank you.
हे गाइस, सो आई हैव रीच्ड होम। बस अब चलते हैं, डिनर करते हैं, देन वी विल वाइंड अप द डे। हे गाइस, सो डिनर हमारा हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू एंड द डे। मैं स्नेहा से आपके सामने ही रियल टाइम पूछ लेता हूँ कि हाउ वाज योर डे, बिकॉज़ मुझे नहीं पता है, मेरी बात नहीं हुई आज पूरे दिन। डे वाज गुड, फुली पैक्ड, बट इट वाज गुड। और पर्ल का अपडेट पूरे दिन का ओवरऑल? हां, ठीक था। एट द एंड ऑफ द डे वो जाके थोड़ा सा हो जाती है। मैंने व्यूअर्स को बताया भी था, हमारी फैमिली को, कि टिल द टाइम शी इज़ इन स्कूल क्लासेस तब तक ठीक रहती है, द टाइम व्हेन शी हैज़ टू बी शिफ्टेड इन द डे केयर तब थोड़ा सा दिक्कत आती है। डे केयर भी ठीक चल रहा है, बट व्हेन शी स्लीप्स, व्हेन शी इज फीलिंग स्लीपी और सोने के एकदम बाद, उस टाइम क्योंकि आदत नहीं है उसको मेरे बिना की, तो अब थोड़ा सा वो टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट आई थिंक शी विल मैनेज। आज दोस्त भी बहुत सारे आए थे और भी बच्चे मैं देख रही हूँ वो थ्रू आउट द डे रो रहे हैं। हाँ, देखिए इनिशियल मैंने वही बोला था पिछले व्लॉग्स में भी कि बच्चे से वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इनिशियल डेज में सब कुछ वो बढ़िया करते। हाँ, जो बच्चे नहीं रो रहे हैं दे माइट बी ना प्रैक्टिस टू स्टे अ लिटिल डिस्टेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मे बी कोई बड़े एक बुजुर्ग घर में हो तो वो साथ में थोड़ा सा रहता है। अब बच्चा जब माँ बाप के साथ ही रहता है पेरेंट्स के साथ, सो दोस्त किड्स आर ऑलवेज यूज टू सी देयर पेरेंट्स ओनली। और स्कूल जाने की हैबिट भी होती है ना, बच्चा देयर इज वन किड हु वाज क्राइंग, जबकि उसके घर में उसके ग्रेट ग्रैंड मदर उसको संभालती है, बिकॉज द मदर वाज वर्किंग फ्रॉम व्हेन द चाइल्ड वाज लाइक 4 to 6 months ओल्ड, क्योंकि मेटर्निटी लीव इतनी ही मिलती है, तो ग्रेट ग्रैंड मदर वाज देयर टू हैंडल द चाइल्ड। बट ये है कि एंड द गर्ल जो उसकी परु के साथ है, जो नहीं रोती है, शी इज हैप्चुअल टू गो टू स्कूल, द आंगनबाड़ी कोई स्कूल, शी इज एक्चुअल टू गो टू दैट स्कूल, सो नाउ शी इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू द स्कूल। मतलब वही है, मिक्स्ड बैकग्राउंड्स एंड मिक्स्ड सिचुएशंस, बच्चे का कुछ कह नहीं सकते कि आज ना रोए और कल रो दे, लेट्स से आज अच्छा गया तो जरूर नहीं कल भी कैसे जाएगा। तो पर ये है कि पर्ल का लिटिल बाय लिटिल थोड़ा 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 बहुत थोड़ा थोड़ा है, बट स्टिल है थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, बेटर है। सो मे बी आवर किड इज़ द वन हु विल टेक एटलीस्ट अ मंथ्स टाइम टू एडजस्ट, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल डेज सबके टफ होते हैं एंड वी आर मेंटली रेडी फॉर द पेरेंटिंग, हमने शुरू से ही रेडी थे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक फेज़ है जो कि निकल जाएगा। पेरेंट्स के साथ बच्चे की लाइफ हमेशा सिक्योर्ड रहती है, बट बच्चे को अपनी लाइफ भी बनानी है। वो ऊपर से नीचे से आवाज़ आती है मुझे रोने की, या उसकी क्लासरूम से आवाज़ आती है रोने की, तो इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल माई सेल्फ। सेम जगह पे जाना, क्योंकि नीचे जाके कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं उसके सामने नहीं जाती हूँ, एंड बट स्टिल वो आवाज़ जो आती है मुझे बीच बीच में वो बहुत बहुत करती है। सो बस यही रहता है कि आवाज़ ना आए, आवाज़ ना आए। जनरली दे क्लोज द डोर ऑल्सो बिकॉज ACs हैं और इस वजह से, बट फिर भी बीच में कभी कभी आ जाती है मुझे आवाज़। एक इंस्टिंक्ट्स बता देते हैं कि हाँ बच्चा रो रहा है या क्रैंकी है, परेशान होगा, तो वही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। सो ओवरऑल दिन रहा हमारा ठीक, तो बस अब व्लॉग को एंड करते हैं, आपको साथ बोर नहीं करेंगे। अब मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो में। पर्ल्स हो चुके हैं इसलिए लास्ट वाला स्नेहा और मैं ही कर देते हैं। पर्ल स्लेप्ट एट 5:30 इन द इवनिंग, सो कब उठेगी लेट्स सी, वो देखते हैं हम, पर ठीक है। चलिए तो मिलेंगे कल आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड नाइट एंड स्पेशल बाय फ्रॉम अस स्नेहा, बाय बाय।